अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन-ए-किराम, आज से कुछ रोज कबल GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के दूसरे प्रोटोटाइप की तस्वीर को देखा गया, जिसकी वजह से GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में कुछ तब्दीलियां देखने को मिली हैं, जिनको देखते हुए अब GF-17 थंडर ब्लॉक 3 अगली नस्ल के हथियारों को लगाने का काम शुरू किया जा चुका है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि GF-17 थंडर की टेस्टिंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। दोस्तों, GF-17 थंडर के एयरफ्रेम और रिडार के अलावा दूसरे सिस्टम्स के बाद अब इस एयरक्राफ्ट में हथियारों को टेस्ट किया जा रहा है, और खबरें इस तरह की भी सुनने को मिली हैं कि इस लड़ाका त्यारे में चीन के सबसे जदीद फाइटर जेट J-20 के एक खतरनाक मिसाइल को टेस्ट किया गया। पाकिस्तान के लिए बनाए जाने वाले इस त्यारे के अंदर किस तरह के मिसाइल को चाइना में लगाकर टेस्ट किया गया, और क्या ये फाइटर जेट अब तकमील के आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है या फिर नहीं, आज इन तमाम बातों को इस वीडियो में तफसील के साथ देखेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो की मजीद तफसीलात में जाने से कबल हसबे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से मोहतबाना गुजारिश है कि पहले हमारे इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अब बिना देर किए देखते हैं GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के हथियारों की टेस्टिंग को, और बिना देर किए देखते हैं कि कौन कौन से हथियार अब इस फाइटर जेट के साथ टेस्ट किए जाएंगे। दोस्तों, GF-17 थंडर का ब्लॉक 3 इसका सबसे जदीद वेरिएंट है, जिसको हाल ही में चीन के तैयार करदा एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया गया, जिनको चीन अपने 5th जनरेशन हथियारों में इस्तेमाल करता है। दोस्तों, GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को डॉग फाइट के साथ साथ लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइलों को कैरी करने के काबिल बनाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान इस त्यारे को दौरे हाजिर के जदीद त्यारों की सफ में शुमार करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, और इस त्यारे को पहले से ज्यादा खतरनाक और बेहतरीन सलाइटों से लैस किया जा रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार किए गए उस एयरक्राफ्ट जिसका सीरियल नंबर 3001 था, इसको J-20 वाले खतरनाक मिसाइलों से लैस देखा गया। दोस्तों, रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि ये पहला मौका नहीं जब पाकिस्तान के इस फाइटर जेट को मखसूस सीरियल नंबर के साथ PL-10 मिसाइलों से लैस देखा गया। ये दोनों मिसाइल त्यारे के विंग्स के एज पर लगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन PL-10 शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, लेकिन इसके बावजूद चाइना अपने स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की वेपनरी में इसको बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि PL-10 अपनी नौयत के हथियारों में आला सतह का मिसाइल है। इससे पहले भी पाकिस्तान के GF-17 थंडर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 PL-10 के पहले वेरिएंट PL-5 से लैस हैं। GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को PL-10 ई मिसाइल से लैस देखकर दिफाई माहिरीन इस तरह की राय दे रहे हैं कि चाइना के सूबे कोंग के इलाके में चाइना इस एयरक्राफ्ट को अपने मिसाइलों से टेस्ट करने का आगाज कर चुका है। अगरचे इस मिसाइल की रेंज PL-15 से कम है, लेकिन दिफाई माहिरीन PL-10 ई को चौथी नस्ल का एयर टू एयर मिसाइल तस्वर करते हैं, और ये दुनिया का एक जदीद मिसाइल है जिसको अमेरिका के जदीद तरीन एयर टू एयर मिसाइलों से कंपेयर किया जाता है। ऐसे मिसाइलों को GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के साथ लगा देखकर ये कहा जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट रिडार के साथ हथियारों को टेस्ट कर रहा है, और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 को हथियारों और रिडार के साथ टेस्ट किया जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान या चाइना की जानब से इन टेस्टिंग के हवाले से कोई खबर देखने और सुनने को नहीं मिली, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक इस वक्त GF-17 थंडर ब्लॉक 3 का रिडार और दूसरे सिस्टम चाइना में टेस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के इस त्यारे के साथ लगे खतरनाक हथियारों को देखकर शायद पाकिस्तानियों को इस बात की हैरत ना हो। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले से मौजूद GF-17 थंडर त्यारों में ये मिसाइल बुनियादी हथियारों के तौर पर शामिल हैं, हत्ता के PL-15 मिसाइल भी GF-17 थंडर ब्लॉक 3 में प्राइमरी वेपन है। लेकिन इन तमाम खबरों को देखकर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तैयारी किस फेज में दाखिल हो चुकी है, इस बात का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। 2020 दिसंबर में इस एयरक्राफ्ट को पहली बार चाइना में टेस्ट किया गया, और बताया जा रहा था कि उस वक्त इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम और दूसरे इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया जा रहा था। तब भी कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी कि इस एयरक्राफ्ट को मजीद 3 मराहल में टेस्ट किया जाएगा। पहले मरहले में फाइटर जेट के एयरफ्रेम को टेस्ट किया जाना था,
इसके बाद एवियोनिक्स रिडार्स और दूसरे सिस्टम को टेस्ट किया जाना था और आखिरी टेस्ट में हथियारों को टेस्ट करना बाकी था। अब जब इसके दूसरे प्रोटोटाइप को हथियारों से लैस देखा गया तो ये बात यकीनी है कि इसके हथियारों की टेस्टिंग का मरहला शुरू हो चुका है, जो इस बात का वाज़े इशारा है कि अब इस त्यारे पर आखिरी टेस्ट शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान इसमें PL-10 के अलावा दूसरे मिसाइलों को टेस्ट करेगा। दोस्तों, ये टेस्ट कब तक मुकम्मल होंगे इस हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन एक बात कंफर्म हो चुकी है कि ये फाइटर जेट इस साल के आखिर तक या फिर कोरोना की वजह से 2022 के शुरू में शामिल हो सकता है। और अगर हथियारों की टेस्टिंग को आखिरी टेस्टिंग मान लिया जाए तो फिर इस बात में कोई शक नहीं कि आइंदा आने वाले चांद माह तक ये त्यारे पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा कोरोना वायरस की ताखीर की वजह से 2022 में पाकिस्तान एयरफोर्स को डिलीवर किए जा सकते हैं। दोस्तों, PAC कामरा में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की प्रोडक्शन के लिए असेंबली लाइन बिल्कुल तैयार है और तमाम टेस्टिंग फेज से गुजरने के बाद इस एयरक्राफ्ट को सीरियल प्रोडक्शन में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ तैयार किया जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स एक साल में 24 से 25 एयरक्राफ्ट बनाने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, पाकिस्तान एयरफोर्स 60 की तादाद में इन त्यारों को एयरफोर्स में शामिल करने का इरादा रखती है। दोस्तों, आज की खबर का सोर्स लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा की तरह उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।